सेरिकल्चर दुनिया में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और साथ ही अपने साथ जुड़े तकनीकी विशेषज्ञ रोमिल जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हैं करेंगे और साथ ही हमारे साथ जुड़ी तकनीकी कार्मिक श्रीमती बिंदिया जी का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज चूंकि आप हमारे पिछले वीडियो देखते आ रहे हैं और सभी वीडियो में आप देखते आ रहे हैं कि ये मानसून फसल 2023 का समय चल रहा है और भिन्न भिन्न दिन पर दिन हम आपको नई नई जानकारियां देते गए कि कीड़ा अब कितना बड़ा हो गया, अब कीड़े को क्या चाहिए, अब उसको कैसी पत्ती खिलानी है, क्या जहरीली पत्ती खिलानी है नहीं खिलानी है, विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपको हम पिछले अपने वीडियो के माध्यम से देते गए। उसी कड़ी में आज फिर आप देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण अवस्था, कीड़ा अब पांचवी अवस्था में पहुंच चुका है। पांचवी अवस्था का मतलब कि ये वो अवस्था है जिसमें कीड़े के अंदर रेशम ग्रंथि का विकास होता है, इससे पहले उसके अंदर रेशम ग्रंथि का विकास नहीं होता। तो पांचवी अवस्था जिसमें उसके अंदर रेशम ग्रंथि, जिसके लिए हम उसे पाल रहे हैं, उसका विकास होता है और वो बड़ी होती है और लास्ट में उसके जरिए वो रेशम का उत्पादन करता है। तो उस अवस्था में हम पहुंच चुके हैं, कीड़े को आज 21 दिन पूरे हो चुके हैं और 22वां दिन है। माफी चाहूंगा, इस बीच कुछ दिनों से हम लोग आपके लिए कुछ वीडियोस नहीं बना पाए जिनमें कुछ दिन मिस रह गए हैं, तो आज उसी कड़ी में ये 22 दिन का कीड़ा आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का बड़ा कीड़ा हस्त पुष्ट हो चुका है। और मैं तो यूं कहूंगा कि आप इसे देखेंगे तो ये कीड़ा बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि मदमस्त सांड की तरह ये बिल्कुल गबरू हो चुका है और ये कैसे कीड़ों पर, कीड़ा जो है पत्तियों पर जुटा पड़ा है, लेटा पड़ा है मदमस्त सांड की तरह हेल्दी। तो ये आपने देखा था पिछले वीडियो में कि बहुत छोटा छोटा कीड़ा था जो अब इतना बड़ा हो चुका है और जब हम इसे आज आपको दिखा रहे हैं देखने में आप इसे समझ भी रहे हैं। और साथ ही मैं रोमिल जी से कहूंगा कि ऐसी अवस्था में क्या ऐसी मुख्य बातें हैं और क्या ऐसी सावधानियां हैं जो इन्हें बरतनी चाहिए। धन्यवाद सर। जैसा कि इससे की पहले की अवस्थाओं में हमने बात भी करी थी और किसान भाई अपने यहाँ कर भी रहे थे कि उन्होंने कुछ सावधानियां रखी थी, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा था, कीड़ों में फैलाव करा था, पत्ती समय पे उपयुक्त मात्रा में उपयुक्त तरीके की पत्ती डाली थी। उसी का ये प्रतिफल रहा कि अब ये आज कीड़ा इस रूप में विकसित हो गया है कि अब वो रेशम बनाने के लिए आने वाले 3-4 दिन में तैयार हो गया है। और ये सब जो पहले की चीजें थी उन्हीं का प्रतिफल है ये, क्योंकि अब ये रेशम बनाने के लिए तैयार है, यानी कि किसान की मेहनत का अब एक मूर्त रूप आने वाला है, ककुन के रूप में ये कीड़ा बाद में बिक्री के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे जो इस ट्रे में कीड़ा जो विकसित रूप से पूर्ण रूप से विकसित है, जैसा कि पत्तियां खाई हैं उसने और जितना फैलाव मिला था पहले की स्थितियों में समय पर पत्तियां दी गई थी, उसका ही फायदा यह हुआ कि कीड़ा अब इस समय पूर्ण रूप से विकसित होकर आने वाले 3-4 दिनों में ककुन बनाने के तैयार होगा। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो सावधानियां शुरू में रखी गई वही यहाँ पर इस कीड़े की वृद्धि के लिए और उसके उचित बढ़ाव के लिए जरूरी हो गई हैं। ध्यान देने योग्य बातें कि अगले 3-4 दिन में ये कोए का उत्पादन करने लायक हो जाएगा। जी हाँ, और ऐसा नहीं है कि अभी ये कीड़ा विकसित हो गया है तो किसान भाई इसको ये सोचे कि अब तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यही समय है जिस समय कीड़े को भरपूर मात्रा में उचित पत्ती देने की बात हो रही है। पहले के समय में कुछ और सावधानियां रखी थी हमने, अपनी साफ सफाई, अपने कीट पालन क्षेत्र की साफ सफाई, मोल्ड अवस्था का ध्यान, मोल्ड खोलने का ध्यान, मोल्ड बंद करने का ध्यान रखा था, लेकिन अब चूंकि चौथे मोल्ड आउट हो गया है अब ये कीड़ा वर्त में नहीं जाएगा, अब इसको सिर्फ और सिर्फ अच्छी मात्रा में गुणवत्ता युक्त पत्ती खिलाई जानी है। तो ये ध्यान रखना है किसान भाइयों को कि अब पत्ती देने में बिल्कुल भी लापरवाही या कमी ना करें, जो मेहनत है वो पूरी मेहनत लगाएं, पत्तियों का भरपूर भंडारण करें, समय समय पर जो निर्धारित समय है उनमें कीड़ों को भरपूर मात्रा में पत्ती दें। और क्योंकि कीड़े का साइज अब बड़ा हो गया है तो इस समय कीड़ों का फैलाव भी बहुत जरूरी है। इस समय देख रहे हैं कि कीड़ा एक तरह से अच्छे फैलाव में है, जबकि अभी 3-4 दिनों में इसका आकार और बढ़ेगा तो इस ट्रे की संख्या भी बढ़ जाएगी। लेकिन मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि कीड़ा इस तरीके से फैलाव में हो कि एक के ऊपर एक कीड़ा ना चढ़े, यानी कि अगर एक के ऊपर एक कीड़ा चढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कीड़ों को फैलाव उपयुक्त नहीं मिल रहा है। इस समय देखेंगे जो भी कीड़ा है वो एक दूसरे से अलग अलग है, फैलाव भरपूर मात्रा में है, जिससे कि कीड़ों को पत्ती खाने के लिए पर्याप्त स्थान मिल रहा है और वो अच्छे तरीके से पत्ती खा रहा है। रोमिल जी, इस ट्रे में हम देख रहे हैं कि जो ये पत्तियां हैं, हमने पहले वीडियो में रोमिल जी देखा था कि जब कीड़ा छोटा था तो उस समय पत्तियां भी बहुत छोटी थी, अब ये पत्तियां बड़ी हो गई हैं, क्या वजह, मतलब ये ऐसा होता है क्या? जी हाँ, देखिए जैसा कीड़े का आकार होगा उसी तरह से उसके शरीर का भी आकार होता है। उसका शुरू में जो मुंह होता है वो बहुत छोटा होता है क्योंकि कीड़ा भी बहुत छोटा होता है। किसान भाई हमारे वीडियो को लगातार देखते आ रहे हैं, शुरुआती अवस्था भी देखी है जिसमें चाकी हुई थी और अभी भी कीड़ा देख रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर है उसके आकार में। तो शुरू में जब कीड़ा छोटा होगा, उसका मुंह छोटा होगा, तो पत्ती की जो आकार होगा वो भी उसके शरीर के अनुकूल होगा।
क्योंकि वही उसको उसके भोजन के लिए उपयुक्त पत्ती होगी। जैसे जैसे कीड़ा बड़ा होता गया है वैसे वैसे देखा होगा कि पत्ती का आकार बड़ा होता जा रहा है, और अब चूंकि कीड़ा पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में आ गया है तो ये पत्ती का आकार काफी बड़ा हो गया है। दो भाग में पत्ती दी जा रही है और आने वाले एक दो दिन में तो पूरी पत्ती भी दी जा सकेगी। पत्ती पूरी पत्ती देने से होगा कि कीड़ा उसमें भरपूर मात्रा में अच्छी तरीके से पत्ती को खा सकेगा और अपने शरीर की वृद्धि कर सकेगा, जो कि इस समय बहुत आवश्यक है। भाई आपने कहा कि कीड़े का आकार बढ़ रहा है, कीड़े का मुंह भी बढ़ रहा है, मैं किसान भैयाओं से अनुरोध करूंगा कि आइए आपको इनका बढ़ता हुआ मुंह दिखाएं। हम कोई ऐसा कीड़ा ढूंढते हैं जो पत्ती खा रहा हो, ये देखिए मिल गया। यहां पर आप साफ देख सकते हैं, कई सारे ऐसे भी होंगे हमारे वीडियोस को देखने वाले जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कैसे कीड़ा पत्ती खाता होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने इतना साइज ले लिया है कि एक मदमस्त सांड की भांति आपको दिख रहा है कि उसका मुंह बिल्कुल जुगाली करता हुआ जैसा दिख रहा है और पत्तियों को ऐसे खा रहा है जैसे किसी ठेले पे जाती हुई गोभी पे उसने मुंह मार दिया हो और बिल्कुल मदमस्त तरीके से उसे खा रहा हो, क्योंकि अब ये उसकी वही अवस्था है जिस समय वो बिल्कुल सांड सा आकार ले चुका है कीड़ों में। देखिए देखने में मतलब ऐसा आनंद आ रहा है रोमिल जी कि देखते ही रहने का मन कर रहा है कि कैसे ये कीड़ा पत्तियों को चबा रहा है और खा रहा है। जी हाँ, इस अवस्था में तो इसकी भोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कई बार किसान शुरुआती अवस्था में बहुत सारी पत्तियां जो छोटे कीड़े को दे देते हैं। आपने कहा मात्रा ज्यादा होती है तो मुझे इस बात से याद आया कि मैंने तो ऐसा भी सुना है कि बिल्कुल लास्ट में तो मतलब गाय भैंस जैसा खाने लग जाता है। ये हमसे बेहतर तो किसान समझते हैं जो इसको कीट पालन को कर रहे हैं, क्योंकि पत्तियों की व्यवस्था उनको करनी होती है और वो जानते भी हैं कि इस समय उनको बार बार इधर उधर भागना भी पड़ता है, अतिरिक्त रूप में पत्ती भी इकट्ठा करनी पड़ती है। तो एक प्रबंधन भी एक चीज होती है कि शुरुआती अवस्था में जिस समय उनको दूसरी चीजों में विशेष ध्यान रखना है, पत्ती तो देनी है तो वहां पर पत्ती को ज्यादा वेस्ट ना करें, ज्यादा से ज्यादा पत्ती इस अवस्था में इसमें पत्ती की आवश्यकता होती है, तो इस समय भरपूर मात्रा में पत्ती देने के लिए उनके पास कीड़ों की संख्या अच्छी होनी चाहिए, पत्ती की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि बिल्कुल सही समय पर इस कीड़ों को अच्छी गुणवत्ता की पत्ती दी जा सके, क्योंकि इसका आकार और इसकी भोजन की मात्रा इस समय बहुत ज्यादा हो गई है। और इस समय अगर लापरवाही करेंगे, क्योंकि इसका जीवन चक्र सीमित होता है, और अगर इस समय पत्तियां नहीं हो रही होंगी तो जीवन उसका समाप्ति की ओर जब जा रहा होगा तो उसमें हो सकता है कि इसकी वृद्धि उतनी ना हो, इसकी रेशम ग्रंथि उतनी विकसित ना हो, तो उसका असर कहां पर होगा कि वो जो आपका रेशम का कोया बनाएगा वो कम गुणवत्ता वाला होगा, छोटा हो सकता है, जो कि जब बिक्री के लिए बाजार में जाता है तो उसका रेट व्यापारी द्वारा नहीं उतना उचित दिया जा सकता है। तो वो सब असर ये तब होता है जब इस समय हम उसकी पत्तियों में कमी कर देते हैं। तो ऐसा किसान भाई बिल्कुल ना करें। अगर इतनी अच्छी अवस्था में उनके यहाँ कीड़ा है, अपने यहाँ के कीड़ों को भी देखें, हमारे यहाँ जो ये कीड़ा हम इसमें दिखा रहे हैं इसके आकार को भी देखें और एक तरह से तुलना करें कि क्या उनके यहाँ भी इस तरह से कीड़ा इस वक्त इस अवस्था में चल रहा है। अगर कुछ कमी पेशी है तो उसमें ध्यान दें कि क्या कमी पेशी है, क्या पत्तियों की मात्रा भरपूर दे रहे हैं, समय पे दे रहे हैं, अच्छी पत्ती दे रहे हैं, क्योंकि यही समय है इसको भोजन देने का अच्छी मात्रा में, जो कि दो तीन चार दिन के बाद उसको एक अच्छे ककून ग्रुप में बना के किसान को आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाएगा। रोमिल जी, अगर एक आमजन की तरह मैं देखूं तो हम इस तरीके से देखते हैं कि कीड़ा जैसे चींटियां होती है, छोटी छोटी सभी के घरों में होती है, छोटे छोटे कीड़े भी आते हैं और अक्सर हम उन्हें देखते हैं कि वो बड़े घने से एक साथ चल रहे होते हैं सैकड़ों सैकड़ों, और उसका अनुमान लगाते हुए हम ये देखते हैं रेशम का भी तो एक कीड़ा ही है, तो वो कीड़ा भी ऐसे हम सोचते हैं कि जब पालते समय अगर हमें बहुत अच्छी जानकारी नहीं है तो हम पालते समय सोचते हैं कि यार वो भी तो ऐसे चींटियों की तरह कीड़ों की तरह हजारों की सैकड़ों की संख्या में एक जगह पड़ा होगा, लेकिन बार बार मैं आपसे सुन रहा हूँ कि फैलाओ फैलाओ फैलाओ, तो क्या ये फैलाओ क्या इतना जरूरी है क्या? जी हाँ, बहुत जरूरी है फैलाओ, क्योंकि फैलाओ के फलस्वरूप ही ये जो कीड़ा होगा वो पूर्ण रूप से विकसित होकर इस अवस्था में आएगा और अच्छी गुणवत्ता युक्त कोया जैसे मैंने बताया उसका निर्माण कर पाएगा। जिस समय शुरुआती दौर पर हमने दिखाया था उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास दो ही ट्रे थी, यानी कि 25 GFL कीड़ा हमारी दो ट्रे में था। आज की स्थिति में आप देखेंगे वर्तमान में 18 ट्रे हैं और कीड़े का साइज जैसे अभी हम कह रहे हैं आज चौथा दिन है, चौथे मोल्ट आउट होने के बाद, तो यानी कि अभी 3 या 4 दिन ये कीड़ा और पत्ती खाएगा तो उन 3-4 दिनों में ये अपने शरीर की वृद्धि और कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर वही बात आ गई, उचित फैलाव, यानी कि जो फैलाव इस वक्त है अगले 2-3 दिनों में उस फैलाव को बढ़ाने की बहुत जरूरत होगी। तो ये कीड़ा 18 ट्रे से लगभग मेरे ख्याल से 25 ट्रे में चला जाता है और आदर्श स्थिति तो यही कहती है कि 25 DFL कीड़ा इस तरह से होना चाहिए कि अंतिम अवस्था माउंटिंग अवस्था में एक ट्रे में एक DFL कीड़ा इस तरह से यहाँ पल रहा हो, तो उससे कीड़े की वृद्धि, कीड़ों को भोजन की उचित मात्रा मिल पाती है, उसकी वृद्धि अच्छी होती है और जब वो ककून बनाता है तो उसे एक अच्छी गुणवत्ता युक्त
अच्छा खोया प्राप्त होता है। अरे रोमिल जी ने डीएफएल डीएफएल शब्द बोल दिया, आधे से ज्यादा मेरे किसान तो ये सोच रहे होंगे कि ये डीएफएल क्या है। आपको अगर डीएफएल के बारे में जानना है, मैं मोटा मोटा बता दूं कि डीएफएल ऐसे है जैसे कि ये कीड़े के अंडों को नापने की एक इकाई, जैसे एक दर्जन केला, केले के लिए एक दर्जन कहते हैं हम, या फिर आलू के लिए एक किलो कहते हैं, उसी प्रकार से एक इकाई है। लेकिन मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा डीएफएल की। अभी अगर आपको डीएफएल के बारे में जानना है तो हमारे इसी चैनल पर सेरिकल्चर दुनिया में पड़े हुए पिछले वीडियोज में आप जाइए, वहां पर आपको डीएफएल के बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि एक डीएफएल एक ट्रे, यानी कि लास्ट तक जब वो कोया बनाने वाला है उस समय तक उसका फैलाव इतना हो जाना चाहिए कि वो एक ट्रे में केवल एक डीएफएल कीड़ा रहना चाहिए। जैसे कि हम पिछले कई वीडियो से आपको दिखाते आए कि दो ट्रे से हमने शुरुआत की, दो अवस्था के बाद, यानी कि 9वें-10वें दिन से दो ट्रे थी हमारी, और आज जब 22वें दिन हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, इस समय 18 ट्रे हो चुकी है, और रोमिल जी ने बताया कि वो 25 तक पहुंच जाएंगी जब तक कोया उत्पादन होगा। तो 25 डीएफएल से हम आज 25 ट्रे तक पहुंचने वाले हैं आने वाले 2-3 दिनों में, जब ये कोया का उत्पादन कर देगा। रोमिल जी ने बहुत सारी आपको इस प्रकार की जानकारियां दी जिससे बताया कि कीड़ा हेल्दी। मैं एक नजर और आपकी डलवाना चाहूंगा कि इस कीड़े को देखिए आप कितना हेल्दी है ये। वैसे आप कई बार बीच में देख चुके हैं, लेकिन इस नजर से देखिए, रोमिल जी ने भी आपसे कहा कि क्या आपके घर में भी इतना ही स्वस्थ, बिल्कुल सांड की तरह हेल्दी कीड़ा है? अगर आपके घर में इतना हेल्दी कीड़ा है तो समझ लीजिए कि हमारे साथ रोमिल जी जुड़ करके बार बार आपको ऐसी सावधानियां, ऐसी जानकारियां बता रहे हैं। अगर हेल्दी है तो यानी कि आपने वो सारी चीजें फॉलो की हैं, और अगर वो आपके घर में इतना हेल्दी नहीं दिख रहा है, उसमें किसी बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं, वो कमजोर दिख रहा है, तो उस स्थिति में आप समझ जाइए कि आपने उन चीजों का पालन नहीं किया है जो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देना चाह रहे हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां आज के दिन आपको हमने बताई, और आप इंतजार कीजिए, 3-4 दिन बाद ही आपके घर में कोए का उत्पादन होने वाला है। और हमारी बार बार अपेक्षा होती है और हमारी प्रयास रहता है कि हम आपको ऐसी जानकारियों से युक्त करें कि आप अच्छे कोए का उत्पादन करके अच्छी आमदनी अर्जित करें और अपना आर्थिक विकास कर सकें। मैं हमारे साथ जुड़े हुए रोमिल जी का अपनी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। साथ ही श्रीमती बिंदिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप कहीं जाएंगे नहीं, आपको हम छोड़ने वाले नहीं है, तब तक नहीं छोड़ने वाले जब तक आप अच्छे रेशम उत्पादन से अपनी आर्थिकी को और अच्छा विकसित ना कर लें, अच्छी आय का उत्पादन ना कर लें और अपना समग्र विकास ना कर लें। तो आप सभी को हमारी ओर से समग्र विकास की बहुत बहुत शुभकामनाएं।